बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जुगारू बॉन्ग्स, जहां हम लोग करते हैं मूवीज रिकमेंडेशन और रिव्यूज। खैर, रिव्यूज बहुत ही कम किए हैं, तो आज हम लोग कुछ फैक्ट्स का बात करेंगे एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है मिर्जापुर। और वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, एंड में मिर्जापुर 2 को फ्री में देखने का निंजा टेक्निक भी बोल दूंगा अगर आपके पास अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो। सो बिना वेट के लेट स्टार्ट। मिर्जापुर एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है विद 8.5 IMDb रेटिंग के साथ, जो अभी तक 2 सीजन में 19 एपिसोड रिलीज कर चुका है। अब आते हैं इसका फैक्ट्स में। मिर्जापुर 2018 में रिलीज होने वाला Amazon Prime का 3rd वेब सीरीज है इनसाइड एज और ब्रीथ के बाद। अब ये दोनों वेब सीरीज उस वक्त उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, मगर मिर्जापुर ने Amazon Prime का ट्रैफिक सीधा जीरो से हीरो कर दिया था। कहानी है मिर्जापुर का सत्ता को लेके जुड़ा हुआ है, तो सीरीज देखने के बाद हम में से बहुत से लोगों ने सोचा कि असली घटना से आधारित है या सच में मिर्जापुर इतना वायलेंट है, मगर असल कहानी सीरीज से एकदम उल्टा है। मिर्जापुर यूपी का वन ऑफ द सेफेस्ट और पीसफुल सिटी है, जो अपने टेम्पल, घाट और क्राफ्ट के लिए मशहूर है। अब इस सीरीज का एक फेमस डायलॉग है, तुम्हारा दमाद था वो विशुद्ध चूतिए लड़के हो तुम, चुप रहो। ये पूरा फेस हमारे पंकज भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी का अपने क्रिएशन है। वाह, गाली में भी क्रिएटिविटी, देखा बैंड बज गया। मिर्जापुर में कालीन भैया का जो घर है वो एक्चुअल में वाराणसी का फेमस हिस्टोरिक प्लेस मोतीझील हवेली में शूट किया गया था, और ये शूट के 10 दिन पहले से सारे हेरिटेज चीजों को हटा के डुप्लीकेट लगाया गया था। अभिषेक बैनर्जी या हथौरा त्यागी, पहचाना? ये बंदा ऑलराउंडर है, क्योंकि ये कंपाउंडर का रोल के अलावा इस सीरीज का कास्टिंग डायरेक्टर भी है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो। अब इस सीरीज के लिए आईरील अवार्ड में पंकज त्रिपाठी को बेस्ट एक्टर और दिव्येंदु शर्मा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। क्या आपको पता है ये सीरीज शुरू होने से पहले दिव्येंदु शर्मा को बबलू का कैरेक्टर के लिए चूज किया गया था, और उसने इस कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन भी शुरू कर दिया था। एक दिन शूटिंग के दौरान जब उसे मुन्ना के कैरेक्टर के लिए ओपिनियन पूछा गया, तब उसने ये कैरेक्टर को बहुत ही यूनिक बोला और डायरेक्टर ने उसे मुन्ना का कैरेक्टर रोल प्ले करने दिया। ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सीरीज का नाम तो मिर्जापुर है, मगर ये सीरीज का मोस्ट ऑफ द शूटिंग आउटसाइड ऑफ मिर्जापुर किया गया है। तुम्हारा लड़का शूटिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। इससे ज्यादा और कुछ फैक्ट इस सीरीज में है नहीं, मगर इस सीरीज का पॉपुलैरिटी के पीछे मेन रीजन है इसका स्टार कास्ट। हो सकता है इसका स्टोरी थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, मगर पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, कुलभूषण खरबंदा, श्वेता त्रिपाठी जैसे प्रमुख एक्टर्सों का परफॉर्मेंस इस सीरीज का पॉजिटिव साइड है। उसके अलावा लोगों को पंकज त्रिपाठी का आगाकालीन भैया का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया, बिकॉज इससे पहले पंकज त्रिपाठी को ऐसा बैड एज नेगेटिव कैरेक्टर में बहुत ही कम देखा गया है। और मिर्जापुर का हिट होने में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है उसका डायलॉगों ने। मोस्टली डायलॉग में नॉर्थ इंडियन स्पीकिंग स्टाइल और कुछ हटके डालने की वजह से 2 साल बाद भी मिर्जापुर का डायलॉग लोगों को जुबान पे सुनाई देता है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मिर्जापुर कैसे देखना है वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें और आई बटन पे भी क्लिक कर लो। और क्या, और आपने अगर मिर्जापुर 1 नहीं देखा है तो मिर्जापुर 1 देख लो, वरना 2 समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।